इंटीग्रेशन बना रहे थे। सर इंटीग्रेशन आपके सभी के समझ में आ गया। अब उस इंटीग्रेशन में एक टर्म ले रहे थे लिमिट, सॉरी एक कांस्टेंट यूज कर रहे थे सी, उसका क्या मीन है ये देखते हैं। तो इंटीग्रेशन टू टाइप के होते हैं। इंटीग्रेशन कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? फिक्स इंटीग्रेशन होते हैं, इनको एक सर्टेन लिमिट के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट गिवन होती है और उनमें कांस्टेंट यूज नहीं करते हैं, क्या कांस्टेंट यूज नहीं करते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं जिनमें लिमिट गिवन नहीं होती है, इसलिए कांस्टेंट यूज किया जाता है, फिक्स नहीं होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। वो हेडिंग डालो डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, ओके।
एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे कितना जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ये टोटल आप जो आप लोग कर चुके हैं। अब लिमिट यूज करेंगे, सर लिमिट का मतलब क्या होता है, आप सम कर रहे हैं फिक्स वैल्यू ए से बी, हां ए से बी, ओके तो 1 बाई 2 आप बाहर कर लिए, ये एक्स स्क्वायर ए से बी, एक्स इज रिप्लेस बाई अपर लिमिट बी स्क्वायर माइनस एक्स इज रिप्लेस बाई ए ए स्क्वायर, ओके। तो ये था इंटीग्रेशन लिमिट वाले। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, अब इसके अंदर कुछ सी लगा था ना, मैं सी लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी कांस्टेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो अब क्वेश्चन देखना, वापिस से डी एक्स 1 से 2 ऑप्शन दे दिया, आपको इंटीग्रेशन करना है x dx का, कहां से कहां 1 से 2 के बीच में, ये लोअर लिमिट है और ये क्या है अपर लिमिट है। दूसरा क्वेश्चन, x cube into dx, और बड़ा लिख देता हूं x cube into dx 0 से 1 और x into dx four, ठीक है चलो अब कीजिए, चलो इसको कीजिए, ठीक है मेरे यार, अब प्रोपोर्शन करो बेटा,
अगेन फोर। चलो इसको देख लेना। अब नेक्स्ट कर देंगे ये ना, कितना जाएगा x की पावर 1 है, जब कोई पावर गिवन नहीं होती कितनी होती है 1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की 1 है 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा अपॉन 2 0 से 1, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितनी है 1 है। इसमें 1/2 को बाहर कर लो, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में x स्क्वायर 0 से 1 x is replaced by upper limit कितना जाएगा 1/2। अब ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, हेडिंग डाल दीजिए हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
देखिए छोटा सा टॉपिक है ग्राफ। देखिए बेटा ये फंडामेंटल टॉपिक चल रहा है फिजिक्स के, फंडामेंटल जितने स्ट्रांग होंगे तो आपके फिजिक्स के जो चैप्टर है बहुत उन चैप्टर में यही यूज होगी, ठीक है यही यूज होगी। तो अब क्या करना है, अब हेडिंग डाल दीजिए आप ग्राफ, हेडिंग डालो ग्राफ। ओके बहुत अच्छे समझना है, ग्राफ या कर्व समझ लीजिए आप लोग। तो ग्राफ आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन होगी किसी भी चैप्टर के अंदर और फिर आपसे ग्राफ ट्रेस करवाएगा, तो इसका मीन क्या हुआ आपको इसके समझ में आना चाहिए कैसे पॉइंट है कैसे ग्राफ ट्रेस करेंगे। 10th क्लास में जस्ट आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट लेकर ग्राफ बनाते थे, कोऑर्डिनेट को आप मीट करवाते थे, ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले ग्राफ जो बनाएंगे मैं दो रिलेशन बता रहा हूं, दो क्वांटिटी एक वाई क्वांटिटी और एक एक्स क्वांटिटी, ठीक है एक y क्वांटिटी और एक x क्वांटिटी। एक x क्वांटिटी एक ही रिलेशन, देखो इसको क्या बोलते हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये सारी चीज क्लियर करना होगा, बाद में ऐसे प्रॉब्लम आते सर ये क्या बता दिया। इस साइन को बोलते हैं प्रोपोर्शनल साइन, इस साइन को क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल। इस रिलेशन को आपको कैसे रीड करना है कि सर y क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x क्वांटिटी, दोबारा सुनिए कैसे बोलना है, y क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्वांटिटी, x के क्या है प्रोपोर्शनल, ये सर y x के क्या है प्रोपोर्शनल। तो इसमें लिख लो y क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, y quantity is directly proportional to x quantity, ऐसे y x के क्या है proportional, y x के क्या है proportional, ठीक है। अब क्या मीन होता है इनका, जब आप x को increase करोगे, जब आप x को increase करोगे तो y क्या होगा increase, x को डिक्रीज करोगे तो y में क्या होगा डिक्रीज, मतलब ये ध्यान रखना है आपको, मतलब प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन में एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज होगी, दूसरी डिक्रीज होगी तो ये भी डिक्रीज होगी। x को मैंने डबल कर दिया तो ऑब्वियसली y में डबल होगा, x को हाफ कर दिया y भी हाफ होगा, x को 5% इंक्रीज करोगे y भी 5% इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था डिक्रीजिंग, एक रिलेशन है ये वाला ये न्यूमेरिकल में यूज होता है, पर एक क्वांटिटी ऊपर आएगी दूसरी वाली क्वांटिटी नीचे ट्रांसफर में रहेगी, इसको क्या बोलते हैं y क्वांटिटी x क्वांटिटी की क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको क्या बोलते हैं इनवर्सली, भी इसका इनवर्स है। तो y क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, y क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्वांटिटी, y क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्वांटिटी। इससे इसका मीन क्या है, x इंक्रीज करोगे ना तो y को आपको क्या करना पड़ेगा डिक्रीज, x को डबल करोगे इसको हाफ, इसको ट्रिपल करोगे इसको 1/3, इसको 5% इंक्रीज करोगे 5% डिक्रीज, ठीक है ये मीन होता है इनवर्स का। न्यूमेरिकल्स में रिलेशन को देखकर के बता देंगे फैक्ट कि सर x को इंक्रीज करोगे y क्या हो जाएगा डिक्रीज। ओके चलो इनको नोट कर लो, फर्स्ट ग्राफ देखिए स्ट्रेट लाइन,
कौन सा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे, मतलब इक्वेशन क्या आएगी? 10th क्लास में जो इक्वेशन पढ़ा था ना आपने, लीनियर इक्वेशन, वो क्या थी? स्ट्रेट लाइन ही था वो पूरा चैप्टर। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। y की पावर में 1 होनी चाहिए और x की पावर में कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यदि x और y दोनों की पावर 1 है ना, तो ऐसा ग्राफ किसका आएगा? किसका आएगा? स्ट्रेट लाइन का आएगा। यहां पे इस m को क्या बोलते हैं? m क्या है यहां पे? स्लोप। और इस c को बोलते हैं कांस्टेंट। m पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? c पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये स्ट्रेट लाइन। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, मतलब इस इक्वेशन को देखकर के ग्राफ ट्रेस करना। देखिए कैसे बनाएंगे, आपको m दो सिचुएशन हो सकते हैं, m पॉजिटिव भी हो सकता है, m क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। सबसे पहले फोर ग्राफ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इस इक्वेशन में x = क्या करो? 0। सबसे पहले क्या करना है? x = कितना पुट करना है? 0 इस इक्वेशन में। तो y की वैल्यू आ जाएगी, y = m * 0 + c = कितना आ जाएगा? c। तो कोऑर्डिनेट क्या लेंगे? 0 और c। कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? 0 और c। क्लियर? 0 और c आ जाएंगे। अब हो सकता है इस ग्राफ में m पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दो सिचुएशन होंगी। फर्स्ट केस में m पॉजिटिव, m पॉजिटिव। देखिए ग्राफ बनाइए, ऐसे ग्राफ आपको आईडिया से बना लेना है। ये x और ये y, ये x और ये y, जीरो सी पॉइंट कहां पे है? देखो x 0 और y पॉजिटिव वैल्यू है। ऑब्वियसली x 0 कहां पे आएगा? x 0 आएगा y एक्सिस के ऊपर। x 0 कहां पे आएगा? y एक्सिस के ऊपर, ठीक है? तो ये लगभग कहां पे आएगा? यहां पे कोई फिक्स नहीं है, थोड़ा ऊपर भी ले लो, थोड़ा नीचे भी ले लो, ठीक है? अब ये ग्राफ क्या इधर जा सकता है या इधर जा सकता है? m पॉजिटिव है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में भेजना है ग्राफ को, इसको पीछे मीन करवा दीजिए, ठीक है? ये ग्राफ बन गया आपका, और ये 0 और c वाले पॉइंट का, ठीक है? अब ये जो m था ना, ये m किसके इक्वल होता है? स्लोप बोलते हैं जिसको, tan थीटा के इक्वल होता है। m किसके इक्वल होता है? tan थीटा। पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए इसमें जाएगा। m नेगेटिव, इसका मतलब tan थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये भी आपने डिसाइड कर लिया कि सर फर्स्ट में भेजना है या सेकंड में भेजना है। अब किसी में वो सिचुएशन m नेगेटिव हो तब क्या करोगे? ये x और ये y, वो ये लो पॉइंट पे यहीं पे आएगा। तो मान लीजिए नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आपका यहीं पर भी थोड़ा सा इस तरह से लो, ये लो x एक्सिस के साथ थीटा, ऑब्वियसली थीटा 90 से ज्यादा है तो सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएगा ना, और tan का सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? नेगेटिव। इस तरह आपको ग्राफ की क्या करनी है? ट्रेसिंग करनी है। इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, किसका ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है।
अब क्या करना है, x इज इक्वल टू जीरो करो, x इज इक्वल टू क्या करो जीरो, तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा फाइव जीरो फाइव है, m कितना है अंडर रूट थ्री, m कितना है अंडर रूट थ्री। चलो अब ग्राफ ट्रेसिंग करो, ये x है और ये जीरो फाइव पता है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो y एक्सिस पर होती है और y की जीरो है, यहां पे ले लो कहीं पर प्लस वैल्यू है। अब इस ग्राफ का इधर लेके जाना है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, उसके लिए क्या देखते हैं m, x का जो कोफिशिएंट होता है वही तो है m, m कितना है अंडर रूट 3, x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो m के इक्वल होगा, tan θ इज इक्वल टू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये भी देख सकते हो tan θ इज इक्वल टू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 पता है कितने डिग्री पर होती है, ये होती है 60 डिग्री पे, आप बता सकते हो, बाकी ऐसा कुछ लिखना जरूरी नहीं है, ये ग्राफ रहेगा बना लीजिए। नेक्स्ट बनाओ इसको, चलो मेरे सिमिलर हुई, x इज इक्वल टू क्या रखना है आपको जीरो, y इज इक्वल कितना जाएगा इसमें जीरो रखो, तो अंडर रूट थ्री इंटू जीरो प्लस सिक्स कितना जाएगा सिक्स, तो आपके इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पता लगा जीरो सिक्स बना है इसको, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, जीरो सिक्स कहां से आएगा यहां पे है, अब जीरो सिक्स तो आ गए, बर जो ग्राफ है सेकंड में जाएगा फर्स्ट में जाएगा उसके लिए क्या देखेंगे x का कोफिशिएंट, ये तो कितना है m इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 नेगेटिव है, नेगेटिव है कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा सेकंड में, ये ग्राफ है जीरो सिक्स,